अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और गाइस, आज मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ अपनी वार्डरोब, ठीक है? सारी दिखाऊंगी अपनी अलमारी के अंदर जो कपड़े हैं सारा कुछ। मतलब मैंने कहा चलें आज इसका व्लॉग बनाते हैं, ठीक हो गया। सो लुक एट दिस। बस 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 बस। सो गाइस, ये मेरे सारे वो कपड़े हैं जो मतलब नाउ डेज में आजकल पहन रही हूँ, ठीक है? सारे ये मतलब कि ये वाला जो ड्रेस है व्हाइट वाला, ये ईद का, अगर आप लोगों ने पिछला व्लॉग ईद वाला देखा होगा तो आप लोगों को जरूर पता होगा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। इस कबर्ड में जो मतलब सारे कपड़े हैं ना, ये मैं तब पहनती हूँ जब मुझे अर्जेंटली कहीं आना जाना पड़ जाए, मतलब कहीं भी नॉर्मली कहीं जाना हो, मतलब किसी के घर जाना हो, नानों की तरफ जाना हो, तब ये सारे कपड़े तब पहनती हूँ। और बाकी भी हैं वो मैंने टैंग, घर में पहनने वाले जो हैं वो मैंने टैंग करके दूसरी कबर्ड में रखे हुए हैं। सो इस वार्डरोब में सारे ये मतलब आने जाने के लिए हैं। ये दो तीन ड्रेस जो हैं ये मैंने अपनी पसंद के मतलब रखे हुए हैं, थोड़े फैंसी हैं लेकिन मैंने इन्हें खुद ही यहाँ पे रखा हुआ है। और ये जो ऊपर है ये मतलब कि शादियों में पहनने वाले हैं, उससे ऊपर जो है ये देखिए ऊपर वार्डरोब है, इसमें भी मतलब के कपड़े ही हैं सारे शादियों में पहनने वाले, उसमें भी शादियों में पहनने वाले हैं, इसमें भी शादियों में पहनने वाले हैं। और इसका इतना बुरा हाल इसलिए हुआ है कि रिसेंटली कुछ माह पहले ही ना मतलब मेरी दोस्त की शादी थी, तो बस तब आके मैंने बस जल्दी जल्दी मेरा इतने बुरे तरीके में रखे हुए हैं, बस अब इसकी मतलब सफाई करनी है, इसको सेटमेट करना है। और इस वार्डरोब के मैं सोच रही हूँ आप लोगों को निकाल निकाल के ना दिखाऊँ वन बाय वन, दिखा ही देती हूँ, क्या याद करोगे यार आप लोग। चले सबसे पहले मैं अपने फेवरेट कलर यानी कि रॉयल ब्लू कलर से शुरू करते हैं। और मेरे पास ज़्यादा जो ड्रेसेज है ना वो ब्लैक हैं, ये देखिए आप लोग को नज़र आ ही रहे होंगे। चले लेट्स सी, अब निकालते हैं ये वाला ब्लू। पहले जो मैं आपको शूट दिखा रही हूँ, मेरा फेवरेट 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 है ये, मतलब कलर मेरा बहुत फेवरेट है, वैसे भी ये मुझे ड्रेस बहुत पसंद है, ठीक है? तो ये है जी रॉयल ब्लू, एक ये हो गया, अब वन बाय वन दिखाती हूँ। नेक्स्ट जी ये ब्लैक वाला, ये हमने लिया था लाहौर फोर्ट्रेस से, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, लुक एट दिस। ओरिजिनल ज़्यादा दिखने में ज़्यादा प्यारा है, ठीक है? और ये है एक ब्लैक ड्रेस। इसके बाद आ गया जी रेड, मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा रेड और ब्लैक है, लेकिन आप लोग देख के बताएं। तो ये थर्ड यानी कि तीसरा आ गया रेड, ये देखें। अब हमें हम निकालेंगे जी चौथा आ गया टी पिंक, लाइट पिंक का पता नहीं कौन सा कलर कहते हैं जी इसको, मुझे तो देखने में पिंक पिंक ही लगता है, ये लाइट पिंक कलर लग रहा है मुझे, मतलब मुझे तो लाइट पिंक कलर ही लगता है लेकिन कैमरे में कुछ और ही कलर लग रहा है, नहीं पिंक भी नहीं है, ऑफ वाइट टाइप ना। सिर्फ ये प्रेस नहीं किया मैंने, लिटरली मैं तो प्रेस कर करके कपड़े थक गई थी, क्योंकि मैंने कहा वीडियो बनानी है तो अच्छे लगेंगे, अब क्या बोलूँ यार, रह गया एक, चलें वट एवर। अच्छा जी एक ये सूट हो गया, और फिर से आ गया हमारा काला जोड़ा, ब्लैक कलर इज़ मेरा फेवरेट है, ब्लैक एंड रॉयल ब्लू। ये आ गया जी मेरा ब्लैक सूट, ठीक है? ये भी मेरा सही फेवरेट है, मतलब मैं इतना नखरे कर करके, इतने नखरे कर करके कपड़े खरीदती हूँ ना कि मेरे सारे फेवरेट होते हैं। और ये है जी ब्लैक, चल झूठ। चलें जी अब आ जाए पिंक की तरफ। पिंक कलर मतलब लड़कियों को यूजुअली पिंक बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मैंने पहले मतलब बहुत पहने पिंक। एक आ गया ये वाला पिंक, ये मुझे मम्मी ने गिफ्ट किया था यानी मेरी नानों ने। और नेक्स्ट पे दिखाती हूँ। और आप लोग ये बताएं आपकी ईद की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं? सच्ची ईद की तैयारियाँ, ईद के मतलब इतने काम है, लेकिन मैं ये भी काम व्लॉग लेके बैठ गई हूँ साथ साथ कि यार चलो। ये आ गया जी पैरेट कलर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है? लाइट पैरेट कलर, लेकिन आपस की बात है मुझे ना लाइट कलर नहीं पसंद, तो ज़्यादातर जो है मेरे बड़े डार्क कलर्स की सूट हैं, ठीक है? मुझे पता नहीं क्यों मुझे चिड़सी चढ़ती है लाइट कलर से, मुझे ऐसा लगता है पुराने पुराने कपड़े लगते हैं, लिटरली ये लग भी रही है देखें, और ये डार्क कलर है देखें, बहुत फ़र्क होता है। सो मुझे जो लगता है मैं आपको वो बता रही हूँ, कोई बात नहीं जी। हमारा काला सूट आ गया दिस वन, ये मेरा फेवरेट, मतलब मैंने फिर बताया ना कि मेरी पसंद के, तो जाहिर सी बात है मेरे सारे फेवरेट होंगे। अब आप लोग कह रहे होंगे हर सूट पे कहती है मेरा फेवरेट, तो दिस वन जैकेट एंड सिंधी जैकेट इसको बोलते हैं, और ये ब्लैक फ्रॉक, ये भी सही मज़े का और मेरा फेवरेट। ये ड्रेस जी मुझे गिफ्ट किया था अंकिश नाज ने, जिन्होंने ईद वाला व्लॉग देखा उन्हें पता होगा। सो ये भी बहुत खूबसूरत है, अच्छा है ये भी। ये वाली शर्ट जो है जी ये मुझे गिफ्ट की थी मम्मा ने, मतलब सारा बर्थडे सरप्राइज भी मम्मा ने दिया था,
दो दफ़ा बल्कि बर्थडे सेलिब्रेट हुई थी और साथ ये वाला ड्रेस भी था। और ये मतलब ऐसे था कि मैंने देख के कहा ये वाला कलर तो मैंने कभी पहना ही नहीं है, तो फिर मम्मा ने कहा अच्छा नहीं पहना, चलो अच्छा लग रहा है ले लो। तो फिर मम्मा ने ले के मुझे दिया था और ये भी मुझे बहुत पसंद है। इस कलर को आई थिंक ग्रे कलर है, ग्रे टाइप ना, ये भी सही प्यारा सूट है। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग कैसे लगे मेरे कपड़े, मुझे तो अच्छे ही लगेंगे एग्जैक्टली। और ये वाला जो ड्रेस है ये मुझे ईशा ने गिफ्ट किया था, अगेन ईशा थैंक यू मेरी बर्थडे पे। और ये ना थोड़ी सी इंक लग गई है, बस क्या करें पढ़ता ही बहुत है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे हम लोग। फिर आ गया जी रेड कलर, ठीक है। और ये वाला ड्रेस लाई थी क्रापी पुर्तगाल से, थैंक यू आप ये, थैंक यू, ये भी मैं अभी दिखा रही हूँ। जैसे कुछ लोगों की ज़ुबान बहुत लंबी होती है ना, इस तरह ये फ्रॉक भी बहुत लंबा है। ये देखिए ये भी ब्लैक है। फिर आ गया माड़ा काला जोड़ा, और ये तो भाई मेरा बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है, ईद वाला ड्रेस है, आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि जो ईद वाले सूट है मैंने व्लॉग में दिखाए थे ईद वाले दिन, ओ मतलब कि चांद रात को, सॉरी। सो ये मुझे सूट इतना प्यारा लग रहा है, ये सूट मुझे बहुत पसंद है। मैंने ना एक ऐसे ड्रेस देखा था ऑनलाइन, तकरीबन ना 10,000 का कह रहे थे, तो मैंने कहा यार ये लेने 10,000 का, मैंने कहा मैं पवा वाद ला रहा लेकिन अपनी पसंद का ना मतलब बनवाऊंगी, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ ये लैदा से बाजू का कपड़ा, ये सब मतलब कि ऑल ओवर हर चीज़ एक एक चीज़ अपनी पसंद से ना लगवाई है। और दर्जन आंटी ने भी बहुत ही प्यारा सिया, देखिए। अब मैं इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ आप लोग को, वेट बैक साइड पर जो मुझे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है ना वो ये देखें, ये लगवाऊँगा। और जी आ गया फिर से रॉयल ब्लू कलर, रॉयल ब्लू कलर ये इसमें पर्पल शेड दे रहे हैं लेकिन है रॉयल ब्लू, और ये हमारा फेवरेट कलर है, बहुत मज़े का देखे ऊपर से भी। एक ये ड्रेस है अच्छा। सो गाइस अब आज इस ड्रेस की तरफ, जो कि मैंने 2015 से लेके अब 2023 है अब तक संभाल के रखा हुआ, ये मेरा फेवरेट तरीन ड्रेस है। मतलब कि कुछ ड्रेसेस होते हैं ना जिनके साथ आपकी मतलब कि अच्छी मेमोरीज़ जुड़ी हुई होती हैं, कुछ मेमोरीज़ होती हैं अच्छी बहुत प्यारी, और वो चीज़ आपका संभाल के रखने को दिल करता है, तो ये वही ड्रेस है उनमें से एक है। और लिटरली इट्स माय फेवरेट, आई लव दिस ड्रेस। और बाकी डिटेल पूरी दसांगी, वेट एंड वॉच। सो गाइज मैंने ना आप लोगों को ना वो वाली वार्डरोब दिखा दी है, अब ये वाली रह गई, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा ना ये वाली दिखाऊंगी, ठीक है। तो गाइज ये मैक्सी रह गई, आप लोग ऐसे ही देख लें, मतलब बहुत ज़्यादा खुली है, मतलब इतनी ज़्यादा ये मैं कहाँ निकालूँ कहाँ दिखाऊँ, बस छोड़ें आप लोग। और किस दिन मुझे टाइम मिला तो ये जो शादियों में कपड़े पहनते हैं फैंसी ड्रेसेज है इसके अंदर है, वो ऊपर है पहले ही बताया था, तो टाइम लगा तो ये भी निकाल के दिखाऊँगी, ठीक हो गया। और अब मैंने बहुत ज़्यादा खिलारा है, मतलब बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ना काम अब ले लिया है, अभी सारे मैंने अंदर रखने हैं, ठीक है। और बाकी मैं रूम दिखाना नहीं चाह रही क्योंकि मैंने वाकई बड़ा खिलारा डाल दिया। एंड गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक हो गया।